चैनल भावना व्लॉग्स। एंड कैसे हो? तो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना। क्योंकि कई बार लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि मेरा एक्चुअली नाम क्या है, वो पूछता है आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है बसंती। तो मैं बता दिया कि अगर भावना व्लॉग्स पे आए हो तो मेरा नाम ऑब्वियसली भावना ही होगा वैसे, बट फिर भी कई लोग मेरे से जो है पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आज मैंने बता दिया है। वैसे अभी जो है टाइम ऐसा कुछ हो रहा है और 10 बज रहे होंगे आई थिंक, या ज़्यादा ही हो रहे होंगे। तो मैं जो हूँ अभी जस्ट लाइव होकर हटी हूँ और मैं बनाने वाली हूँ डिनर। तो मैं जा रही हूँ किचन में डिनर बनाने। तो मैं सोच रही हूँ आज क्या बनाया जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है आज खाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट लतीफ़ आजकल कभी कभी काम करती हूँ अपने। तो चलिए बनाते हैं डिनर, ऑर्डर करते हैं डिनर की प्रिपरेशन, क्योंकि गजब वाली भूख जो है वो मेरे को लग रही है, बहुत ज़्यादा वाली। और आज सोफे का कपड़ा जो है वो मैंने उतार रखा है क्योंकि धोने के लिए, और बहुत दिन हो गए थे। मैं सोच रही थी उसको मैं वॉश करूं, बट हो नहीं पा रहा था बहुत दिनों से, तो आज जो है मौका मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैं बैटर तैयार कर रही हूँ अभी। मैंने सूजी डाली है, दही डाली है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और मिक्स कर रही हूँ अभी इसको। बैटर को अच्छे से मेरे को मिक्स करना है क्योंकि अभी हुआ नहीं है, इसमें पानी और जाएगा। इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है थोड़ा सा, और मैं इसके अंदर ना फ्लेक्स सीड डालने वाली हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं क्यों डालने वाली हूँ, पर मैं डालने वाली हूँ ये। और ये है काली मिर्च, तो मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी इसके अंदर। और मेरे को एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो अभी मैं डाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दी ऑलरेडी। और ये ऊपर डालने के लिए मैंने जो है वेजिटेबल्स थोड़े से काट लिए हैं, अनियन, कैप्सिकम एंड टमाटो। तो चलिए मैं इसको बैटर को कर लेती हूँ तैयार और मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से पहले एक बार। तो गाइज, अभी जो है मेरा डिनर मैंने बना लिया था, आज उत्पम बनाया था, और ये मैंने खा लिया है, कुछ पड़ा है कुछ खा लिया है। साथ में बनाई थी चाय, और इस टाइम पे मैं चाय पीती हूँ, पी लेती हूँ रात में चाय, क्योंकि आजकल मेरा मन होता है कभी चाय या कॉफ़ी जो भी है कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा। और अभी मैं जैकेट वगैरह ये बदलूँगी, स्वेटर और दूसरी जैकेट वगैरह पहनूंगी थोड़ी और मोटी, क्योंकि रात को जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ड्राइंग रूम पूरा ही ठंडा हो जाता है। तो बस गाइज, अभी के लिए गुड नाइट, फिर सुबह मिलते हैं। अभी हो रही है बहुत ज़्यादा ठंडी और मुझे नींद भी आ रही है, और आजकल वैसे मैं वेब सीरीज़ देख रही हूँ, तो वेब सीरीज़ ब्रोकन वेब सीरीज़ देख रही हूँ, तो रात को मैं वही देखूँगी बस। और ये क्या हो रहा है आजकल, मेरे मोबाइल का स्पेस बहुत जल्दी भर जाता है, तो बस वही देख रही हूँ। देन देखते देखते नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, फिर सुबह बात करूँगी आप लोगों से। तो ये व्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा कल तक, और सुबह मैं सोच रही हूँ कि टाइम से मैं उठ जाऊँ। और आज जो है मैंने डंबल ऑर्डर करे हैं, जस्ट अभी अपने लिए डंबल्स ऑर्डर करे हैं, क्योंकि हो क्या रहा था बहुत दिनों से, अगर मैं एक्सरसाइज करने के लिए मेरे को वेट चाहिए होता है, और वेट जो है बॉटल्स उठा के वो चीज़ नहीं होती है। बॉटल एक एक लीटर की बॉटल होती है, दो दो लीटर वाली है भी नहीं मेरे पास, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने डंबल्स जो है वो ऑर्डर करे हैं, देन मेरी जो एक्सरसाइज है प्रॉपरली मैं अब करूँगी, जो मैंने जिम में थोड़े बहुत सीखी हुई हैं, और जो थोड़े बहुत जो घर की एक्सरसाइजेज होती हैं वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो अब से जो है रेगुलर मेरे को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है, चाहे आधा घंटे के लिए करूं चाहे जो भी है, वो स्टार्ट करूंगी घर पे ही। तो डंबल्स अभी मैंने जस्ट ऑर्डर करे हैं थोड़ी देर पहले ही। और चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अपना रूटीन जो है मैं थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, टाइम से सोने की और टाइम से जगने की आदत, जो कि मैं पहले 4 बजे उठा करती थी। पहले जब मैं टाइम से थोड़ा सो जाती थी तो मैं 4 बजे उठ के सारे काम कर लेती थी, तो अभी जो है मेरा दिन पूरा लेट हो जाता है। मतलब मैं 11 बजे उठती हूँ, इस टाइम से उठती हूँ, तो फिर मेरा पूरा दिन का जो टाइम टेबल हो गया वो उल्टा हो गया। रात में जागती हूँ, दिन में सो लेती हूँ, तो ये होता है, यानी सुबह सो लेती हूँ, तो वो सारा उल्टा गड़बड़ हो रखी है। अभी मैं ये करूँगी, रात में मोबाइल साइड में रख दूँगी बंद करके, स्विच ऑफ करके, ताकि जब तक मोबाइल हाथ में रहता है आप रात में सो नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ वीडियोज़ देखोगे, कुछ ना कुछ देखते रहोगे, कभी व्हाट्सएप देखोगे, कभी कुछ देखना है, कभी कुछ देखना है, दिमाग में और 100 चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैंने सोचा है चाहे जो मर्जी हो जाए, नींद आए या नींद ना आए,
मोबाइल्स अपने दोनों साइड में अपने मैं रख दूंगी, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं रात को देखने वाली हूँ, ताकि मैं तरीके से सो जाऊँ, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, नींद जो है मेरी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो रही है। सुबह में अगर मेरे कॉल्स आने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं, कई बार मैं सो रही होती हूँ, मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, और लोग मोस्टली जो है सुबह सुबह 9-10 बजे जो है काम करना शुरू कर देते हैं, तो अगर मेरे को वाईटी से रिलेटेड कोई कॉल्स आने होते हैं तो मैं अटेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सो रही होती हूँ उस टाइम, ऐसा ही होता है, गड़बड़ हो जाती है सारी। तो अभी जो है अपना टाइम थोड़ा सा मुझे खुद के साथ ही स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी मॉम डैड तो करते ही हैं स्ट्रिक्टनेस, लेकिन खुद के साथ भी मुझे करनी पड़ेगी, अपने आप को तकलीफ देनी पड़ेगी थोड़ी सी, तभी मैं जो है लाइन पे आने वाली हूँ मुझे लग रहा है। तो मोबाइल वोबाइल साइड में रख के देन सोने की प्रैक्टिस थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, कि भाई 1 घंटा नींद नहीं आएगी, 1.5 घंटा नींद नहीं आएगी, कभी ना कभी तो नींद आएगी, आ ही जाएगी ना, तो बस वही चीज़ है, ताकि सुबह टाइम से उठो, टाइम से अपना दिन स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, ग्लोइंग ग्लोइंग लगो, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बाल होंगे, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर स्किन होगी, हम भी खुश रहेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो इसलिए अपना थोड़ा सा रूटीन मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, बाय, फिर मैं मिलती हूँ, गुड नाइट। सुबह मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग होते होते लेट ही हो जाता है, एक्चुअली मुझे बज जाते हैं 10:30-11 आजकल, तो धूप धूप तो नहीं है बट कुछ मौसम ऐसा सही हो रहा है, अभी फोक फोक आपको दिख रही होगी उधर सामने, इधर वाली सारी जगह पे, तो नींद थोड़ा लेट ही आती है। मैंने कहा जैसे कि आदत मेरे को डालनी पड़ेगी टाइम से सोने की, बहुत ज़्यादा जो है रूटीन मेरा गड़बड़ाया हुआ आजकल, तो चलो चलते हैं अंदर। मेरे को ये होता है कि इस टाइम पे लगा दूँ अब मशीन, जब मैं अभी उठी हूँ तो सुबह सुबह कपड़े धुल जाएंगे, देन उसके बाद जो है सूखते रहेंगे, धूप जितनी धूप होती है उतने में ही सूख पाते हैं आजकल, धूप कुछ ज़्यादा तो होती नहीं है। चलो ये तो लगा दिए। आज जो मैं फेस वॉश यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ काफ़ी दिन से, वाओ का एंटी एक्ने फेस वॉश, इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, नीम लीव्स है, मलबरी है, और काफ़ी अच्छा है ये, तो अगर डार्क स्पॉट्स हैं आपके या स्कार्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है। इसके अंदर जो है वाओ के प्रोडक्ट्स जो होते हैं पैराबिन सल्फेट सिलिकॉन वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल जो है नेचुरली 100% नेचुरल बायो एक्टिव्स हैं इसके अंदर, और एक्ने ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स जो यहाँ पर होते हैं ना, जैसे कई बार ब्लैकहेड्स हो जाते हैं व्हाइटहेड्स, उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर एक्ने नहीं है तो उसके लिए व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स बहुत सारे कई बार नोज पे हो जाते हैं, उसके लिए फेस वॉश काफ़ी अच्छा है, और अगर इचीनेस या फिर रेडनेस रहती है बहुत ज़्यादा टैनिंग वगैरह की वजह से, उससे उसके लिए भी फेस वॉश काफ़ी अच्छा है। तो आज जो है मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करने वाली हूँ, तो बिल्कुल इस तरीके का ट्रांसपेरेंट फेस वॉश है, तो जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर टी ट्री एसेंशियल ऑयल्स भी।
lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand. Hey guys, so अभी जो हूँ थक गई हूँ बुरी तरह. कहाँ मैं जब जिम जाती थी तो कितनी कितनी एक्सरसाइज कर लेती थी सेट्स में. अभी मेरे बस की नहीं रही है, अब बहुत कम हो गई है. मतलब लाइक एक एक सेट भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है मेरा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी स्टार्ट करी है मैंने थोड़ी बहुत. और अब मैं रेगुलर बेसिस पे करूँगी, डेली करूँगी. और अभी जो है मैंने डंबल्स मंगाए हैं. मेरे डंबल्स अभी तक नहीं आया, एक दो दिन लगेगा, पता नहीं क्या है. तो मुझे वेट चाहिए था थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कल रात भी आपको. तो वो आ जाएंगे तो और अच्छे से एक्सरसाइज हो पाएगी. तो इतना भी अगर कर लो तो बहुत होता है. कपड़े धुल चुके हैं, बजर बज चुका है, तो साथ के साथ कपड़े भी धुल गए और साथ के साथ मैं डाल दूँगी. और आज धूप मेरे को लग नहीं रही है कुछ ज़्यादा, तो बस यही है. और अभी जो है मैं कुछ बना के पीने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं क्या पीने वाली हूँ. तो चलिए. तो अभी जो है अभी एक मैंने शेक बनाया ये, और ये बहुत यमी है. मैंगो फ्लेवर मेरा फेवरेट है और ये उसी फ्लेवर में है. मैं आपको बताती हूँ ये रिव्यू करने के लिए कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था आप यूज जरूर करना, देन उसके बाद रिव्यू करना. तो मैं ये पीने लगी और मुझे काफी अच्छा लगने लगा. तो ये जो है एक मील को आप इसमें स्किप कर सकते हो अगर आप नहीं लेना चाहते हो. तो ये इतना हेल्दी है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डाली गई हैं, बहुत सारी. तो इसका एक अलग से रिव्यू जो है वो मैं ऑसम इंडियन मॉम पे डालूंगी, ऑसम इंडियन मॉम चैनल पे. अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लेना तो इस प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू. तो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये आजकल रूटीन में मैंने मॉर्निंग में मैंने लेना शुरू कर रखा है. बहुत ही टेस्टी है. अगर आप सुबह में और कुछ नहीं लेना चाहते हो इसकी जगह तो आप ये ले सकते हो बिल्कुल. और चलिए गाइज, अभी जो है ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ. फिर आप लोगों से मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में. बाय बाय.